आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आजकल एक बहुत ही चर्चा में एक मुद्दा जो है उठ रहा है बीटीटी के बारे में, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर ये बीटीटी क्या है और आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट रहेगा जीएसटी और इनकम टैक्स में। तो सर आप इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए बीटीटी के बारे में। देखो पहली बात तो ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताओ बीटीटी की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने बीटीटी की फुल फॉर्म लिख दी बिल्कुल सही, तो इसका मतलब आप भी अवेयर हो बीटीटी को लेकर। तो जब हम बीटीटी की बात करते हैं तो बीटीटी की फुल फॉर्म होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अब यहाँ पर इंडिया में एक मुद्दा उठ रहा है, एक बहुत ही फेमस वकील है वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में PIL वगैरह लगाते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने सरकार को एक नोटिस दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई कि भाई हिंदुस्तान के अंदर GST इनकम टैक्स को मैनेज करने के लिए जितनी मशीनरी लगी हुई है आप इस सबको ख़त्म कर दो और एक बहुत बड़ी क्रांति लाओ। जैसे GST एक क्रांति था, इससे भी बड़ी क्रांति लाओ, आप एक टैक्स लगाओ BTT बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम बात करें कि भाई अगर आपने देखा हो कि गवर्नमेंट ने इतना तेज़ी से काम करा है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। आज की डेट में ऐसे बहुत कम व्यक्ति आपको मिलेंगे जिसके बैंक अकाउंट ना हो, चाहे उसका जनधन खाता हो, चाहे उसका सेविंग अकाउंट है, चाहे उसका पेंशन अकाउंट है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट है ही है। तो उन्होंने ये लिखा कि भाई आप ये सिस्टम क्यों नहीं कर देते कि भाई बैंक अकाउंट आपके पास सबके, तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है आप उस पर एक सर्टेन परसेंटेज से टैक्स लगा दो, 1% 2% जो भी टैक्स लगाना है, आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई उस पर आपने टैक्स लगा दिया। मतलब कि लेट सपोज करो मेरे पास बैंक में 10 लाख रुपए, ठीक है, और मान लो मैं उससे बर्गर खाने गया, ठीक है ना। अब मुद्दा यह है कि मैंने बर्गर वाले को बैंक से पेमेंट करी 100 रुपए की, अब टैक्स कौन देगा, बर्गर वाला देगा या मैं दूंगा। तो यहां पर उनका कहना यह है कि जिसके बैंक में रिसीव हो रहा है आप उससे टैक्स ले लो, और मेरे अकाउंट में जो 10 लाख आए हैं वो भी तो कहीं से आए होंगे भाई, मुझे बच्चों से फीस आई होगी कुछ, तो जब मेरे पास बैंक में पैसा आया तो उस पर टैक्स लगा लो और एक सर्टेन परसेंटेज दे दो और GST और इनकम टैक्स को खत्म कर दो। बेसिकली क्रेडिट साइड को देखा जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड को ही देखा जाएगा कि भाई आपकी क्रेडिट साइड में जो पैसा आ रहा है उस पर आप टैक्स दे दो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2% तो होंगे, एक सेलर होगा एक रेसिपिएंट होगा, तो दोनों से लेंगे तो कहीं ना कहीं डबल टैक्स बात हो गई। तो एक साइड को पकड़ेंगे क्रेडिट साइड को, जिसकी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा बिल्कुल। और सर जैसे मैं आपके GST का और इनकम टैक्स का कोर्स देख रहा था, बहुत बढ़िया कोर्स आपने डिजाइन किया हुआ है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो उस पे क्या इफेक्ट आ सकता है? अरे भाई पहले इस चीज को समझो, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की जो बात हो रही है ना, ये आज से नहीं हो रही कि भाई आज 2 दिन पहले ही मुद्दा हुआ और हाँ मोदी जी ने कहा कल लगा दो, ऐसा नहीं हो रहा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की जो बात हो रही है 4 साल से 5 साल से 6 साल से, हो सकता है 10 साल से हो रही हो, लेकिन आया क्या, इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे सब लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर इनका दूसरा कार्यकाल हुआ 2024 में भी ये लोग आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकता है, 1% चांस है, लेकिन कब लगेगा ये नहीं पता। इस चक्कर में GST बढ़ना मत छोड़ देना, इनकम टैक्स बढ़ना मत छोड़ देना। हमारे ऐप पर सर हमने फ्री कोर्स दे रखा है, तो उसे ले लेना, कोर्स को परचेज कर लेना। इतनी जल्दी नहीं आ रहा कि तुम सुबह उठे या शाम को मोदी जी आए 8 बजे और उन्होंने कहा भाई और बहनों कल से BTT चालू, ऐसे नहीं लगेगा। लग सकता है, 1% चांस है कि लग सकता है। तो हम लोगों को मेंटली फिजिकली या हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमारे को थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, थोड़ी बहुत उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जी। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को एक तरीके से क्लब होके सिंगल ट्रांजैक्शन बेस्ड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें ना एक चीज को समझिए, इसमें जो मेरा मानना है कि जैसे हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है, अब ये लोग टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसके लिए ना बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है, पूरा CBDT डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा CBIC डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी सैलरियां हैं। तो उन्होंने अपनी उस याचिका में ये चीज़ भी लिखी कि अगर आप एक सिंगल टैक्स लगा दोगे
तो हो सकता है इतनी जो मैन पावर यहाँ पर यूज हो रही है, आप आए दिन देखते हो टैक्स चोरी होती रहती है उसे रोकने के लिए, तो कह रहे वहां पे ना गवर्नमेंट का पैसा सेव हो सकता है, ठीक है ना। मान लो लेट सपोज करो बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स से उतना ही टैक्स आया जितना इनकम टैक्स और जीएसटी से आ रहा है, लेकिन जो सैलरी है जो गवर्नमेंट पे कर रही है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, अगर वो कम हो गई, जो बिल्डिंग्स है गवर्नमेंट्स की, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, अगर उसे वो कहीं और यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट्स को ये बताया जा रहा है कि आपको इसमें फायदा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को बुला लिया कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कि जब फायदा है तो तुम लगाते क्यों नहीं, बीटीटी लगाओ ना जब इस व्यक्ति ने कहा है, या मतलब इस पर अपना विचार व्यक्त करो। तो यहाँ पर ये चीज हो रही है इंडिया में जी। और सर एक जैसे अभी टोटली ऐसा तो है नहीं कि सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल से है, कैश भी जो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है कैश से भी होता है, वैसे तो बैंकिंग को काफी ज्यादा अब एम्फसाइज होके काफी ज्यादा पेटीएम फोन पे ये सब वॉलेट भी यूज होने लग गए, बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ गई है पहले से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा बीटीटी के बाद? अब आप इस चीज को समझो, आज के टाइम में रिक्शा वाले से लेके सब्जी वाले से लेके सब फोन पे गूगल पे पेटीएम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी गवर्नमेंट्स ने बहुत लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है। किस चीज से एग्जेम्प्ट कर रखा है कि भाई जाओ तुम्हें इनकम टैक्स ही नहीं देना, तुम्हारी भाई इनकम ही कम है, एग्जेम्प्ट है। ऐसे जीएसटी से बहुत सारी एग्जेम्प्शंस है। तो गवर्नमेंट्स क्या करेगी, गवर्नमेंट्स को पता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में 100% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगा सकते, तो ये क्या कर सकती है, ये एग्जेम्प्शन दे सकती है कि भाई तुम ठेली वाले हो, ठीक है, तुम रिक्शा चला रहे हो, 5,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है, तो वो एक सर्टेन लिमिट बना सकती है, सर्टेन एरिया बना सकती है। लेट सपोज करो फार्मर्स है, वो बैंकिंग में नहीं जा सकता, तो वहाँ पर वो एग्जेम्प्शन दे सकती है कि भाई इन लोगों को एग्जेम्प्शन है। लेकिन इससे जो बहुत बड़ा तबका जो है, जो कि मतलब कि कैश में डील करता है, मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने अपने जीवन काल में कैश में ही डील करा है, अब कैश से क्या कर रहा है, वो घर बना रहा है अपना, दुकान पर जाता है सामान लेता है, सीमेंट खरीदता है, बदरपुर खरीदता है, ठीक है ना, सरिया खरीदता है, कैश में पैसे दे देता है, उसने कभी टैक्स ही नहीं दिया अपने जीवन में। तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि वहां पर ट्रांजेक्शन लिख दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम 5 लाख का सरिया खरीद लो एग्जेम्प्ट है, 5 लाख का सीमेंट खरीद लो एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर वो जो दुकानदार है सरिये वाला, ठीक है ना, सीमेंट वाला, वो कहेगा भाई साहब मैं तो कैश में लूंगा नहीं, मुझे तो बैंक में चाहिए, क्योंकि बैंक में जैसे जाएगा टैक्स हो जाएगा, और जो वो कैश है उस कैश का वो करेगा क्या लास्ट में, उस कैश का जो है ना यूज ही नहीं रह जाएगा। एक लेवल पर जो हमारे देश में जो बड़ी समस्या है कि जो ब्लैक मनी है, भाई जैसे अभी आपने देखा 2000 के नोट बंद कर दिए, ठीक है, तो जो उस ब्लैक मनी की समस्या को खत्म करने का एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है, वो एक बीटीटी दिखाई दे रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स विद सम एग्जेम्पशंस विद सम रिलैक्सेशंस, तो ये जब आएगा तो ये उस रूप में आ सकता है। इसके बारे में सर अभी से ही हमें जानकारी रखनी चाहिए, उस पर आपका क्या व्यू है? भाई आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक एडवोकेट्स हो, आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, आपको किसी ने पूछ लिया अरे भैया ये न्यूज में आ रहा था बीटीटी क्या होता है, तुम कहोगे मुझे नहीं पता भैया। सही बात, अभी तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, चाहे आइए 5 साल बाद, ठीक है ना, नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ रहा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में एक चीज होती है कि जब किसी भी देश में पढ़ी लिखी बेरोजगारी बढ़ जाती है, भाई पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोजगार है, तो ये माना जाता है कि वहां के टैक्स सिस्टम को चेंज कर दो। टैक्स सिस्टम को जब वहां पर चेंज किया जाता है तो बहुत रोजगार पैदा होते हैं। जब जीएसटी आया तो रोजगार पैदा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? भाई हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने जीएसटी सीख कर अपनी जॉब लग गई होगी, मार्केट में अकाउंटेंट्स वगैरह की कंपनियों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करे होंगे, नहीं तो कई बार जो हम अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भी टैक्स रिफॉर्म लाए जाते हैं। और आपको तो पता है कि इनकम टैक्स में एक बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है, भाई इनडायरेक्ट टैक्स में तो जो बड़ा रिफॉर्म था वो जीएसटी के एंगल से आ गया, लेकिन गवर्नमेंट की समस्या अभी भी वहीं की वहीं है, थोड़ी सॉर्ट आउट हुई है। तो मतलब मेरा जो, मैं एक तो पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आ सकता है, वैसे भी पढ़ना चाहिए बिल्कुल। जब जीएसटी 2017 में आया
सर 2016 से ही उसकी तैयारी में लगे थे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा होता है। हाँ जी, हमने बिल्कुल देखा सर को, इसीलिए कहीं ना कहीं इतनी डिटेल नॉलेज है उस चीज की, क्योंकि ये पहले से ही वो चीजें पड़ी हुई है। ऐसे ही हम BTT के लिए भी तैयार रहे, जब भी आएगा ठीक है, लेकिन हमें पहले से ही पता होना चाहिए। हाँ, तो सर ने बहुत अच्छे व्यूज इस पे शेयर करे, हम सबकी नॉलेज कहीं ना कहीं काफी इससे बड़ी होगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा हम सब एनालाइज करें, अपने व्यू शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे प्लीज आपके जो व्यू है इसके ऊपर डालें। तो थैंक यू सो मच सर। लेकिन साथ में एक चीज और बता दूं भाई, हो सकता है इसमें जो मैंने जानकारी दी, मैंने भी गूगल करके यूट्यूब करके दी, तो इस जानकारी की ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ सर प्रूफ बताओ, सबूत दिखाओ। ठीक है, सबूत और प्रूफ नहीं है, जो जानकारी मेरे पास थी इकट्ठी करी, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को लेकर कभी आप बेस मान लो कि नहीं भाई साहब आपने कहा था अभी आया नहीं, ठीक है ना। तो मतलब जो जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, जिससे कि आप अपडेट रहे हमेशा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।